हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे MIUI 11 की जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है उसका फॉर्म आ चुका है। उसे फॉर्म अप्लाई करके आप सबसे पहले अपडेट पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट आई है वो भी आ चुकी है, किन किन डिवाइजों को ये फॉर्म भरना है, और जिन ये बताऊंगा कैसे, अब जिन डिवाइजों का नाम नहीं है उनको उनका क्या होगा। तो वीडियो के एंड तक देखते रहे, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, MIUI 11 की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। लाइक का डर रखता हूँ, 100 लाइक का उम्मीद करते हैं, बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन निकल गया, ये ऑफिशियल है Xiaomi की तरफ से ऑफिशियल है, जो कि ऑफिशियल फॉर्म निकल के आया है। तो बताता हूँ किन किन डिवाइसों को पहले फॉर्म भरना है। स्पॉटेड डिवाइस देख सकते हैं जिन जिनको फॉर्म भरना है, K20, पोको F1, Note 8 Pro, Note 8, Redmi Note 7 Pro, ये भी जो नाम दिए हुए मैंने इस लिस्ट के अंदर, तो ये इन डिवाइसों को फॉर्म भरना होगा। उनके सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा जो भी फॉर्म भरते हैं, और जो फॉर्म नहीं भरते उनको बताता हूँ क्या होगा। उनका फॉर्म नहीं भरेंगे तो 10 से 15 दिन का उनका वेट करना पड़ेगा, वही अपडेट उनको 10 से 15 दिन बाद देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और जिनका नाम नहीं है वो बताया था उनको कब देखने को मिलेगा, जब एक और फॉर्म शायद तक Xiaomi जारी करे। जैसे कि MIUI 11 जो सीरीज थी उसमें भी 2 से 3 बार फॉर्म आए थे, जैसे कि कई बार 5A का नाम आया, कई बार किसका नाम है 6A का नाम है, तो ऐसे 2-3 बार। तो एक फॉर्म और आ सकता है जिसमें आप अप्लाई कर पाए, तो वो फॉर्म आएगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा, जिसमें जो भी बाकी डिवाइस है उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप भर सकते हैं फॉर्म। अब मैं बताता हूँ कैसे भरना है आपको फॉर्म। और ये बता दूं, अपडेट आपको ऐसे नहीं फॉर्म भरते ही मिल जाएगा, फॉर्म भरते ही आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको बहुत जल्दी देखने को, मतलब बहुत चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि जो फॉर्म भरते हैं उनको मिल ही जाएगा। तो 90% चांस रखिए आपको अपडेट मिल जाएगा अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। Xiaomi कब जारी करेगा, शायद तक जनवरी के महीने में ही जारी करे, क्योंकि Realme वाले जनवरी में अपडेट रोल आउट करने जा रहे हैं, तो Xiaomi भी उसी के साथ शायद तक रोल आउट। तो यहाँ पे हम करते हैं अप्लाई पे क्लिक। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो भी गूगल आईडी लगी होगी वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, अगर नहीं लगी तो आपको लगानी पड़ेगी अपनी जीमेल आईडी जिस भी आप ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं। और ये सीरीज मैं बता दूँ कौन सी सीरीज हो सकती है, 11.1 की भी हो सकती है या 11.3 की हो सकती है, दोनों में से कोई एक सीरीज का अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फॉर्म में ये नहीं बताया कि कौन सा आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है 11.1 या 11.3 का शायद तक जब आएगा, जब आपको जरूर से बताएंगे, और जिन जिनको एंड्रॉइड 10 मिलना होगा वो उनको भी शायद तक एंड्रॉइड 10 में देखने को मिल जाए। इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे MI अकाउंट के अंदर जो भी आपने मेल आईडी अकाउंट जोड़ी हुई है यहाँ पे आपको मेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो MI अकाउंट के अंदर डाली हुई, आपका रीजन सिलेक्ट कर लेना है, इंडिया इंडिया है तो इंडिया कर लीजिए, अगर आप बाहर रहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करा है, एंटर योर टेलीग्राम प्रोफाइल, यूजर नेम आपको डालना है टेलीग्राम का, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से उन्हें समझाया हुआ, अगर टेलीग्राम नहीं चलाते तो डाउनलोड कर लीजिए, अगर चलाते हैं तो अच्छी बात है। आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है जो भी आपको टेलीग्राम के अंदर दिया हुआ, तो ठीक है। अगर जो नहीं डालते नहीं है टेलीग्राम, डाउनलोड करके अपना यूजर नेम बना सकते हैं टेलीग्राम का और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी फंडा नहीं है, यहाँ पे आपको डिवाइस सिलेक्ट करना है, आपके पास कौन सा डिवाइस है जिसमें आप अपडेट पाना चाहते हैं, तो देखते हैं Redmi Note 7 या Note 5 Pro जो भी आपका है वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यूर MI अकाउंट आईडी, जो भी आपकी MI अकाउंट की आईडी होती है वो आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड नहीं डालना, मैं बताऊँ MI अकाउंट की आईडी डालनी है जो कि आपकी होती है। अब यहाँ पे MI अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी MI अकाउंट का मेरा देख सकते हैं बहुत सारे डिजिट दिए हैं, ये वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है या आपको डाल देना है वहाँ पे जो आपको याद है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट डालना है MI अकाउंट का, MI अकाउंट का आपको स्क्रीनशॉट डालना है जो कि अभी मैंने पेज ओपन किया था, वहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे ऐड फाइल करके इसे अपलोड कर दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे MI कम्युनिटी का भी आपको पॉइंट के स्क्रीनशॉट डालने हैं, जैसे कि MI कम्युनिटी ये वाली ऐप होती है, इसके अंदर आप MI अकाउंट लॉगिन करेंगे वही वाली, तो यहाँ पे आपका जो भी स्कोर होएगा पॉइंट होंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और वहाँ पे आपको सिंपली इसे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जितना पॉइंट है वो भी आप डाल दीजिएगा, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ऊपर भी आपके MI अकाउंट स्क्रीनशॉट के साथ MI अकाउंट भी डालना जरूरी है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको करनी जरूरी है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक स्क्रीनशॉट और डालना है अबाउट फोन का, ये स्क्रीनशॉट भी आपको पता ही होगा, फिर भी आपको बता देता हूँ कौन सा स्क्रीनशॉट है। सेटिंग में जाना है और अबाउट फोन में जाना है, अबाउट फोन में जाने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वहाँ पे अपलोड कर देना, अपलोड करने के बाद सबमिट पे करेंगे आप अप्लाई हो जाए, अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको मेल आ जाएगा उस आईडी पे, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अभी नहीं आएगा 5-6 दिन बाद या 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको अपडेट मिल जाए, जो फॉर्म भरते हैं लगभग सिलेक्ट होते हैं, चांस बहुत ज़्यादा होते हैं जो फॉर्म भरे उनको सिलेक्ट हो ही जाते हैं।
तो उनको अपडेट देखने को मिलेगा, सबसे पहले 11.1 सीरीज का या 11.3, ठीक है। तो और जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं उनको भी 10 दिन बाद देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी शाओमी की तरफ से, ऑफिशियल फॉर्म आ चुका है, आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग, टैग केयर एंड गुड बाय।